हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। वी विल बी वॉचिंग आवर चैप्टर 6 ऑफ क्लास 7, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नाउ सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है इस चैप्टर के अंदर कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? ओके, जैसे इफ़ यू आर गोइंग टू अ शॉपकीपर, ओके, अगर एक शॉपकीपर के पास जा रहे हो, अगर एक जनरल स्टोर में जा रहे हो और आप वहाँ पे जाकर के बोलते हो कि मुझे जो है 1 किलो शुगर चाहिए, ओके, सो व्हेन यू आस्क फॉर 1 kg ऑफ शुगर, ओके, व्हेन यू आस्क 1 kg फॉर शुगर, तो यहाँ पे ये जो शुगर है ना, ये शुगर ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। उसका मेजरमेंट हम कैसे कर रहे हैं? देखो, हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं 1 kg में, ओके। वी आर टेलिंग दैट वी वांट 1 kg ऑफ शुगर, ओके। सो व्हेन वी आर टेलिंग 1 kg ऑफ शुगर, वी नो दैट द शुगर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ को हम लोग क्या है, पकड़ सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट? फिजिकल, ओके। सो शुगर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस kg, ओके, एंड दिस वन, व्हाट डू यू मीन बाय वन एंड व्हाट डू यू मीन बाय kg? वन इज़ द क्वांटिटी, ओके, कि कितना क्वांटिटी हमको चाहिए, एंड kg इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको हम कहते हैं यूनिट, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि माय स्कूल इज़ 2 kilometers अवे फ्रॉम माय हाउस, ओके, सो 2 किलोमीटर मैं बोल रहा हूँ, तो किलोमीटर जो है वो क्या है? यूनिट है। क्या है वो? यूनिट है, और 2 क्या है? उसका मेजरमेंट है, ओके। सो दिस इज़ नथिंग बट बाय मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर हमें जो है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल्स, ओके, यू ऑल कैन सी दैट दीज आर ब्रिंजल्स, ओके, ये हमारा जो है एक थ्रेड का जो है रोलिंग मटेरियल है, दिस इज स्पिनच, दिस इज मिल्क, दिस इज अ रिंग एंड दीज आर क्लोथ्स, ओके। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें दी हुई क्यों है? हाउ आर द वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल्स शोन इन द पिक्चर मेजर्ड? अब आप जो है इन ब्रिंजल्स को ऐसा नहीं बोल सकते मार्केट में जा कर के भैया मुझे 1 ब्रिंजल दे दो या 2 ब्रिंजल दे दो, है ना। आप इसे कैसे नापते हो? आप इसको kgs में नापते हो। जब आप पूछते हो सामने वाले वेंडर से, वैन यू आस्क हिम और हर दैट ये ब्रिंजल कैसे है, तो वो ऐसे नहीं बोलता कि 5 रुपये का एक है। नो, वॉट दे से दैट दिस इज़ फॉर 20 rupees per kg और 30 rupees per kg, वो आपको पर kg के हिसाब से उसका जो है रेट जो है बताते हैं, ठीक है। सो ब्रिंजल इज़ अ फिजिक ब्रिंजल, व्हेन वी आस्क फॉर ब्रिंजल वी आस्क इन इट इन अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ हमको इतना kg ब्रिंजल चाहिए, आप इसका कितना पैसा लेंगे, ओके। नेक्स्ट इज थ्रेड, व्हेन वी आस्क फॉर थ्रेड वी आस्क इन मीटर्स, हम जब रस्सी लेने जाते हैं या फिर धागा लेने जाते हैं तो वी आस्क इन मीटर्स, ओके, कि ये कितने रुपए मीटर है। नेक्स्ट इज स्पिनिच, द सेम थिंग्स गोज फॉर स्पिनिच ऑल्सो, दे मेक सम अमाउंट ऑफ बंडल्स एंड दे गिव यू फॉर 10 rupees 5 rupees एंड सो ऑन। मिल्क, व्हेन यू आस्क फॉर मिल्क, जब आप मिल्क लेने जाते हो तो इसको हम लीटर्स में नापते हैं कि वी वॉन्ट 1 liter ऑफ मिल्क, 1/2 liter ऑफ मिल्क, 2 liters ऑफ मिल्क, एनीथिंग एल्स, ओके। दिस इज़ गोल्ड, दिस इज़ रिंग, दिस इज़ गोल्ड, गोल्ड वी कैन मेजर इन kg और ग्राम्स, ओके। नेक्स्ट इज आवर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कैन बी ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर इट्सेल्फ, ओके। नाउ वॉट इज़ फिजिकल क्वान्टिटी? इन डे टू डे लाइफ वी मेजर मैनी थिंग्स सच एज वेट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और सम लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, द स्पीड ऑफ व्हीकल एट्सेट्रा, ओके। सो मैनी थिंग्स वी मेजर इन आवर डे टू डे लाइफ, लाइक वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ आवर वॉकिंग, स्पीड ऑफ द व्हीकल, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। वॉट डू यू मीन बाई वॉल्यूम? दैट हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क यू आर हैविंग, यू आर हैविंग 1 glass ऑफ मिल्क, 200 ml ऑफ मिल्क, 500 ml ऑफ वाटर, ओके। टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी और टेम्परेचर ऑफ अवर एटमोसफियर, दैट 22 degrees Celsius चल रहा है, 25 degrees Celsius चल रहा है, ओके। फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स वी कैन मेजर दैट आई हैव ब्रॉट 1 kg ऑफ एप्पल, आई हैव ब्रॉट 1 dozen ऑफ मैंगोज, ओके। सो इन दिस थिंग्स वी मेजर आवर फिजिकल क्वान्टिटीज। क्वान्टिटीज सच एज मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ओके। दीज ऑल आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। सो
From year to year, you have to write the definition for physical quantity that can be asked in your examination. Okay, next. नेक्स्ट इज मास. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मास? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जो है ना डिफ़िकल्टी होती है मास और वेट में. टुडे वी विल बी डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन मास एंड वेट. ठीक है, तो आपको समझना है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है. ओके, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास. दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर मास. यू हैव टू राइट इट इन योर बुक. यहाँ से यहाँ तक आपको जो है मास का डेफिनेशन लिखना है. मैटर हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट विच इज़ कॉल्ड एज इनर्शिया. वॉट डू यू मीन बाई इनर्शिया? एक टेंडेंसी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए. जैसे ही आप अपना कोई भी चीज़ जो होती है, सॉलिड चीज़ जो होती है, वो अपने स्टेट को चेंज कर लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं. मास इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर होता है मास जो होता है. जब सब जो मास के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर है, जैसे कोई बॉल है, अगर वो अंदर से खाली है तो उसका मास क्या होगा? कम होगा. लेकिन अगर कोई ऐसा बॉल है जो अंदर से भी भरा हुआ है, जैसे सीजन बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट व्हाट वी यूज इज अ सीजन बॉल. तो सीजन बॉल के अंदर जो होता है ना, वो पूरा अंदर से फिल्ड होता है. ठीक है, तो उसका मास जो क्वालिटी रहता है वो अलग होता है, और जो बॉल खाली होता है उस मास की क्वालिटी अलग होती है. इसलिए ये बोला हुआ है मास इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ इनर of an object. So you have to write this thing also. Okay, the larger the mass, the greater is the inertia. Okay, mass is a smaller quantity. It does not change from place to place anywhere in the world. The quantities mass and weight are however different. Gram and kilogram are the unit of mass. Okay, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखना है कि gram and kilogram are the unit of mass. Okay, and the second thing which you have to understand that कि weight जो है ना, वो कहीं पर भी जाओ आप तो change हो सकता है, but mass doesn't change anywhere in the world. Okay, when we use these two pen common balance in a shop, we compare two masses. Okay, two masses compare karte hain. Next is our weight. Okay, what do you mean by weight? What is measured in grams and kilograms is mass. याद रखो, आप जब आपसे जब पूछा जाता है कि आपका वेट क्या है, एंड यू से माई वेट इज़ 50 kg, दैट मीन्स यू आर नॉट टेलिंग योर वेट, एक्चुअली यू आर टेलिंग योर मास. क्योंकि वेट किलोग्राम में होता ही नहीं है. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड एज वेट्स. ओके, हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमको ज़मीन की तरफ खींच रहा होता है एवरी टाइम. ओके, सो वेर एवर इन द अर्थ यू गो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको अर्थ की तरफ पुल कर रहा होता है. एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डिफरेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. ओके, हर जगह ये क्या है? अलग है. इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल पुल इज़ डिफरेंट, तो आपका वेट भी हर जगह क्या होगा? डिफरेंट होगा. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाई विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देयरफॉर द वेट इज़ अ वेक्टर क्वान्टिटी. इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. ये आपको लिखना है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हर जगह अलग होता है. इसके लिए आपका वेट भी हर जगह क्या होगा? अलग होगा. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द मास इज कॉल्ड एज वेट. ये जो है डेफिनेशन है आपका. ठीक है, डेफिनेशन यू हैव टू राइट. ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपको लिखना ही है. उसके बाद जो है आपको क्या करना है? आपको लिखना है ये. ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये भी आपको लिखना है, ये भी आपको छोड़ना नहीं है. ठीक है, दिस यू हैव टू राइट यहाँ से यहाँ तक. और फिर इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ये आपको लिखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर जो दो चीज़ें लिखी हुई है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना. ये आपको आगे भी यूज़ होगा इन हायर स्टैंडर्ड्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? नाउ, अ क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पे क्या बोला हुआ है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? इफ़ यू आर गोइंग टू अ शॉपकीपर एंड आस्किंग फॉर 1 kg ऑफ शुगर. ओके, 1 kg ऑफ शुगर, देन दिस 1 kg उसका मैग्नीट्यूड है. दिस 1 kg इज़ इट्स मैग्नीट्यूड ओनली.
For example, only magnitude, that is value with a unit, it is used to express quantities such as length, breadth, area, mass, temperature, density, time, work, etc. है ना. तो ये क्या है, हमारा मास है. हम जैसे टाइम गिन सकते हैं कि 1 second, 2 second, 3 minutes, 5 minutes, 10 hours है ना. Thus, we say that the length of the tunnel is 2 kilometer, the fever is 101 Fahrenheit, etc. Okay, temperature वगैरह नापने के लिए हमको सिर्फ एक यूनिट की ज़रूरत होती है, and alone it is known as a scalar quantity. आपको scalar quantity का definition लिखना है. So, what do you mean by vector quantity? The quantity that is expressed completely only when magnitude and direction are both given. यानि आपको जो है direction भी बताना ज़रूरी है. Now, what do you mean by direction? यहाँ पर direction का मतलब क्या है, जैसे if we are talking about velocity. ओके, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपको जो है क्या करना है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होता है. ओके, मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. नाउ अगर मीटर पर सेकंड जो है यूनिट ऑफ वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि आप जो है कुछ लेंथ भी मेजर कर रहे हो एंड कुछ टाइम भी मेजर कर रहे हो, एंड दिस नीड्स डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स के वेलोसिटी जो है वो क्या है, अपना वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. आपका वेलोसिटी किस चीज़ में, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. आप ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ जा रहे हो या राइट की तरफ जा रहे हो या लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है. अगर आप वेलोसिटी नहीं करोगे, नहीं मार्क करोगे, नहीं तो फिर आपका जो है नहीं हो पाएगा. क्या नहीं हो पाएगा, आपका डायरेक्शन वगैरह अगर आप नहीं बताओगे तो वेलोसिटी आप सही से नहीं मेजर कर पाओगे. ठीक है, सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों यूज़ होता है. डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मैंने जो एग्जांपल दिया, ये सारी चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल, अ डिस्प्लेसमेंट फॉर 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ द एरोप्लेन फ्लाइंग इन द वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर टूवर्ड्स मुंबई है ना. देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एरोप्लेन जो है वो कुछ वेलोसिटी से 500 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मुंबई की तरफ जा रहा है ना. तो डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि मुंबई की तरफ जा रहा है ना, 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें जो है ना क्या है, अब हमारा मैग्नीट्यूड है. बट विद दिस द डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे और आप बोलोगे कि 20 किलोमीटर आज की स्पीड से प्लेन उड़ा दो, तो कहाँ उड़ाएगा आदमी, ये भी तो बताना है ना आपको कि मुंबई जाना है, दुबई जाना है, के सिंगापुर जाना है, कहाँ जाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज़ नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी. इट इज़ इनफ टू सेलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ मैनी क्वांटिटीज़. ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, बट हम हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से, 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ क्वांटिटीज़ वी विल बी स्टडिंग. ओके, मैनी क्वांटिटीज़ एंड स्टैंडर्डाइज देयर यूनिट. ओके, यू कैन सी from the above examples that units of the quantities length and time need to be standardized. Such quantities are called as fundamental quantities and their units are called as standard units. Of course, a standard fundamental unit must be available to all. It must not be variable. इसका मतलब क्या है, fundamental quantities का मतलब क्या होता है, जैसे meter हो गया, ठीक है, length नापने के लिए, टाइम नापने के लिए हमारे पास सेकेंड्स हो गए, ठीक है, फिर जैसे मास नापने के लिए हमारे पास केजी हो गया है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे जो यूनिट्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं. और ये सारे जो यूनिट्स होते हैं ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ और बोल रहे हो, कहीं पे कुछ और बोलते हो. दैट इज़ नोन एज SI यूनिट, दैट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स. ओके, स्टैंडर्डाइज यूनिट, ठीक है. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज़ SI यूनिट. जो मैं बता रहा था उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल. इज़ करेंटली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम. ओके, तो ये तो पूरा आपको पैराग्राफ लिखना ही है, ये पैराग्राफ भी आपको पूरा लिखना है, ठीक है. दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स.
The names and the symbols of the units of fundamental quantities, length, time and mass in the system are given in the following table. आपके टेक्स्ट बुक में जो है एक टेबल दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको जो है कंप्लीट करना है. दैट्स इट. ओके, टुडे वी विल बी स्टॉपिंग अवर लेक्चर ओवर हियर. आई होप आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं. अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Thank you for watching The Smart Box.